उत्तराखंड खबरसार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड खबरसार को जिस तरह आपका प्यार मिल रहा है उससे हम उत्साहित हैं और हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए। इसके लिए आपकी सलाह चाहिए। आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखकर हमारा मार्गदर्शन करें और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो अब बात करते हैं खबरसार की। आज के खबरसार में हम बीते सप्ताह की तीन बड़ी खबरों के मायने समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का खबरसार कुछ अलग है। आज के खबरसार में हम उत्तराखंड की महिलाओं से जुड़े उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश बात कर रहा है। जी हाँ, वह मुद्दा है अंकिता भंडारी हत्याकांड का। अंकिता भंडारी हत्याकांड के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि राज्य के बाहर रह रहे उत्तराखंड प्रवासी भी श्रद्धांजलि सभाओं के माध्यम से अंकिता भंडारी के मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस घटना ने कई ऐसे सवालों को भी छेड़ दिया है जो एक राज्य के लिए बहुत जरूरी है। एक मुद्दा है राजस्व पुलिस का। कहा जा रहा है कि राजस्व पुलिस की व्यवस्था होने के कारण अंकिता भंडारी मामले में लापरवाही बरती गई, वरना अंकिता भंडारी को बचाया जा सकता था। ऐसे में राज्य सरकार को राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस के हाथों सौंपी जानी चाहिए। दूसरा सवाल रोजगार से जुड़ा है। अंकिता भंडारी को अपना व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसी जगह काम करना पड़ा जो न केवल उसके परिवार से दूर था बल्कि अनसेफ भी था। इसकी वजह यह है कि उत्तराखंड में रोजगार के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कुछ खास नहीं कर पाई है। खासकर युवतियों को सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इसलिए सरकार को सबसे पहले रोजगार केंद्रों को फिर से सक्रिय करना चाहिए और रोजगार के इच्छुक युवाओं का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इससे जहां सरकार को कुल बेरोजगारों की संख्या पता चलेगी, वहीं एक डाटा बैंक के माध्यम से युवाओं की निगरानी कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी देने वाले संस्थानों की जानकारी भी सरकार के पास पहुंचेगी और अवैध संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड से एक बड़ा सवाल उत्तराखंड की पर्यटन नीति पर उठ रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड में ऐसे गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट की संख्या हजारों में है जहां युवतियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है और इन रिजॉर्ट में वेश्यावृत्ति हो रही है। ये रिजॉर्ट नशे का भी व्यापार करते हैं। हालांकि देश दुनिया में जहां भी पर्यटन स्थल हैं वहां इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है और यह धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां मौज मस्ती या असामाजिक पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को पर्यटन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, बल्कि पर्यटन की नई नीति पर विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों का एक सुझाव है कि उत्तराखंड में हाई एंड टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। हाई एंड
टूरिज्म का मतलब है महंगा टूरिज्म। इससे जहां कम लोग पर्यटन स्थलों में जाएंगे, बल्कि महंगा होने के कारण सरकार को राजस्व भी अधिक मिलेगा। विशेषज्ञों के इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील जगहों पर बढ़ती भीड़ के कारण जहां अराजकता बढ़ रही है, वहीं उत्तराखंड के पर्यावरण व जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। उम्मीद है आपको खबरसार पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रविवार खबरसार में।